कैनेडा विच दाखल होने वाले वास्ते वो ट्रैवल हदायत जो कि जून 11 नूं हटाउण दा ऐलान किया गया सी हुण जुलाई 19 तो दोबारा शुरू की जा रही है। कोविड 19 दे मामले होर ज़्यादा सामने आ रहे ने, इस दे बारे दावा किया गया है, जिस दावे दे नाल जो कि लाजमी रैंडम टैसटिंग है उसनों दोबारा शुरू किया जा रहा है। यह वह टैसटिंग है दरअसल कोविड 19 का टैसट जिहड़े कि फुली वैक्सीनेटिड ने उन्होंने भी करवाना पै सकता कैनेडा विच पहुंचने के उत्ते, पर जेकर किसी नूं चुनिया जाता है जो कि कैनेडा के वड्डे एयरपोर्ट्स वैनकूवर कैलगरी मॉन्ट्रियल जां टोरोंटो इत्थे आउंदे ने यात्री, उन्होंने जिहड़े कि फुली वैक्सीनेटिड ने जिवें कि उन्होंने कैनेडा विच पहुंचने के उत्ते कोविड 19 के टैसट तो छोट दी जाती है, पर उन्हां वल्लों दित्ती गई जानकारी के आधार के उत्ते जां फिर उन्होंने देखते हुए किसी नूं भी चुनिया जा सकता है कि उन्होंने कोविड 19 का टैसट करवाना पवेगा, जिस वास्ते जिहड़ी ओह राइवकैन एप्लीकेशन दे विच जानकारी भरते हैं उस समय भी उन्होंने कहा जा सकता है कि रैंडम टैसटिंग लई उन्होंने चुनिया गया है। जदों ओह जानकारी भर देंदे ने तां उस दे विच जेकर किसी नूं चुनिया जावे तां कुछ देर बाद ही उन्होंने एक ईमेल दे राही इसकी जानकारी दित्ती जाएगी, जिस वास्ते पहलां तो ही उन्होंने अपना टैसट बुक करवाना पवेगा। नाल ही यह भी कहा गया है कि यह टैसट मुफ्त होवेगा। तो दूजे पासे जिन्हां ने कोविड 19 के टीके नहीं लगवाए हुए जो कनेडियन सिटीजन जां फिर PR ने उन्हां वास्ते तां पहलां दी तरह ही लाजमी है कि उन्हां नूं घट्टो घट 14 दिन दे लई क्वारंटीन करना पवेगा। जेकर उन्होंने टीके नहीं लगवाए हुए तो कैनेडा विच जदों ओह दाखल हुंदे ने तां PCR टैसट कोविड 19 दा जिसी नैगेटिव रिपोर्ट दिखाउणी जरूरी है, तो कैनेडा विच पहुंचण दे उत्ते भी पहले दिन ते 8वें दिन कोविड 19 दा टैसट उन्हां नूं करना पवेगा। इस नाल ही जिवें कि कहा गया कि किसी यात्री नूं चुनिया जा सकता है, जुलाई 19 तो इसकी शुरुआत हो रही है दोबारा तो, उस दे विच ओह टैसटिंग भी शामिल है जो कि वर्चुअल हो सकती है कि किट ओह लैके जा सकते हैं, तो बाद विच ओह वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन नर्स जो मौजूद होंदी है उसके सामने टैसटिंग कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट जेकर पॉजिटिव आ जाती है तो 10 दिन के लिए उन्होंने क्वारंटीन करना पवेगा। We've been clear from the beginning. We actually never, the decision at the time was to suspend random testing because we are committed to doing everything we can to ease the congestion at our airports. And we recognize that testing at airports was adding a layer of congestion. So we decided quickly to suspend them, but committed that we are going to keep random testing, however, off airport premises. So we took the time during the suspension to sort out the logistics of doing off-site testing and also to do the automated random selection instead of a manual random selection. So now that we've sorted out, Public Health Canada has sorted out the logistics, we are now going back to using the system. It is critical as an early warning system for our public health agency, for public, for healthcare in Canada, for the protection of health of Canadians. That we maintain this early warning system to help us and inform us what type of measures and policies that are needed.